मैसेज मारा नीतीश वर्मा डिप्टी कलेक्टर, मैं बोला यार उनको पहले क्रॉस चेक करते हैं, बोला एक बार रोल नंबर से भी चेक कर लेता हूँ, रोल नंबर भी सही है। तो यार मतलब ऐसा होता है ना, अब इतने बड़े पोस्ट में सिलेक्ट हो गए, ऐसे एक बार में भरोसा भी नहीं होता। फिर तुरंत ना फिर मेरे को मतलब कोचिंग किया हूँ, सर लोगों के फोन आए, मैं बोला हाँ ठीक है अब तो हो गया हूँ। एक चीज इसमें ना मतलब आप लोग अगर सुने होगे तो ध्यान दोगे, मैं पढ़ाई को ना कभी ब्रेक नहीं किया हूँ जब से चालू किया हूँ तब से, नहीं लॉकडाउन में नहीं एग्जाम, मतलब हर एग्जाम के बाद मैं 5 दिन 10 दिन का ब्रेक हमेशा लेता था क्योंकि वो जरूरी रहता है। अब एक हेक्टिक शेड्यूल के बाद थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन उसके अलावा जैसे ऐसा है ना कोरोना आ गया तो अब यार अब लाइब्रेरी में पढ़ने का आदत है तो घर में कैसे पढ़ेंगे, या फिर एग्जाम तो अभी एक साल बाद है तो छोड़ो ना जब एग्जाम 2 महीने बाद आए बच्चे रहकर पढ़ेंगे, ये सब चीज मैं नहीं किया। कुछ लोग रहते हैं जो लोग डालते हैं कि मेरे को अलग अलग जगह घूमना मतलब अलग अलग जगह घूमना पसंद है। हाँ कहाँ कहाँ घूमे हो? रतनपुर और खूंटा घाट। आप सबके लिए है क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो और इस बीच में बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जो आपको देखना पड़ता है, ठीक है? तो ये सुनाना चाहूंगा, हर दिन नई तकलीफें हैं, हर दिन नया उजाला, हर दिन नई तकलीफें हैं, हर दिन नया उजाला, तुम देख पाओ तो सवेरा है, ना देख पाओ तो अंधियारा, बादल की ललकार में तुम्हारी दहार को ढूंढता हूँ, बादल की ललकार में तुम्हारी दहार को ढूंढता हूँ, बरसते खून में अंगार को ढूंढता हूँ, और जब लहू में आग तुम्हारे लगी ही नहीं, लाइन है, जब लहू में आग तुम्हारे लगी ही नहीं तो जो ख्वाब है ना तुम्हारे, तो बाबू मैं उसे ख्वाब ही देखता हूँ।